तो ये आईपीएल चल रहा है, मजा बहुत आ रहा भाई। आईपीएल से ये हो गया कि भाई जो सिंगल लॉन्डे उनको कुछ करने का जीवन में मकसद मिल गया, क्योंकि दिन का तो चलो ठीक है इंसान नल्ला सो के भी गुजार लेता है, शाम का क्या ना नौकरी है ना छोकरी है तो करे क्या। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला तो फिर भी पूरे दिन बिजी रहता भाई, उसके पास सिर्फ एक गर्लफ्रेंड से बात करके उसका टाइम बहला देना, उससे ज्यादा उसकी जिंदगी में कुछ कर भी नहीं सकता हो। लेकिन नल्ले लोग क्या करें, सिंगल लोग क्या करें, उनके लिए आईपीएल आया एकदम एंटरटेनमेंट। और अगर आप दिल्ली से हो फिर तो आईपीएल में खूब मजा आ रहा होगा, क्योंकि अभी लड़ाई में यार मजा आ गया देख के। अभी आरसीबी और लखनऊ के बीच में मैच हुआ, लखनऊ में मजा आ गया क्योंकि पिछले मैच का बदला ले लिया भाई विराट कोहली ने, और दिल्ली वाले ना बदला नहीं भूलते। पिछले मैच में भाई आवेश खान ने हेलमेट वेलमेट फेंक दिए बिना बल्ले में टच हुए, टाइट मैच था भाई बहुत, और ऐसे फेंका जैसे कितना अचीवमेंट कर लियो। और ये भी चिढ़ाने का तरीका होता है यार, कोई मैच हार गया है तो थोड़ा सेलिब्रेशन का भी एक तरीका होता है ना, उसको भी तो बुरा लगा है ना, जीता जीता मैच हार गया। उधर से गौतम गंभीर बेंच पे बैठ के भी चीख रहा है जैसे उसने पता नहीं क्या कर दिया है, ऐसे दिखा रहा पता नहीं क्या सुपर ह्यूमन हो गया हो। अब विराट कोहली के सामने ये सब करोगे तो छोड़ेगा तो नहीं ना, क्योंकि भाई विराट कोहली बंदा भाई ग्रेट है, सबको पता है भाई वो नाम नहीं एक ब्रांड है, और सिर्फ इंडिया ही नहीं पाकिस्तान के भी आधे से ज्यादा लोग फैन है भाई उसके। और सिर्फ इसके नहीं होते कि भाई हाँ खेलता अच्छा है इसलिए ये, एक कनेक्शन जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे साथ है भाई विराट कोहली का, हम भी गाली देते वो भी गाली देता हमारे जैसा ही तो है ना, बाकी सबको बुला बुला के गाली दे रहा है, अपने टीम के प्लेयर को भी कोई भेदभाव नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको सामने वाले टीम से प्रॉब्लम है, अपने टीम के प्लेयर ने चौका बोला चल तेरी माँ की बैंचो हाँ तो भाई ऐसा नहीं है कि पार्शियलिटी कर रहा है कि सिर्फ सामने वाले को दे रहा है। अब सामने वाली टीम से नवीन उल हक और ये अमित मिश्रा जी थे, अब वहां पे कुछ हो गया भाई क्लैश, तुमने जो सेलिब्रेशन किया उसका जवाब तो मिलेगा ना। अब 126 रन बनाया उसमें भी लखनऊ पूरे ढेर हो रही थी, और भाई केएल राहुल बड़ा समझदार बंदा है, केएल राहुल को पता था कि आरसीबी से है तो विराट भैया तो गुस्से में होंगे और जैसे मेरे वक्त चल रहे हैं ना वहां से बकचोदी करी तो करियर भी चला जाएगा तो ऐसा कूदूंगा ऐसा गिरूंगा ना कि इंजर्ड कर लूंगा, बैटिंग करने ही नहीं आऊंगा, लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये आइडिया पता किसने दिए, सुनील शेट्टी ससुर जी ने, आफ्तिया को फोन किया स्टेडियम में ही रहना, हाँ बेटी विराट गुस्से में है, दामाद जी का भी ग्रह नक्षत्र बहुत मार पड़ी है, उनको बोलो कैसे भी गिरे बस इंजर्ड हो जाए, और इतना करना है कि चल भी नहीं सकते। और सच बता रहा हूं केएल राहुल पूरे टाइम डर में था मैच के दौरान, कह रहा भाई फिर विकेट गिर के बैटिंग जाना पड़ेगा, और गौतम गंभीर कह रहा है इतना क्या गिर गया भाई है सारे व्हील चेयर पे चला के खिलवाऊंगा, मिलना पड़ेगा तेरे को, कप्तान क्यों बना था कप्तान क्यों बना, कह रहा सॉरी भाई पर। और वो पूरा प्रैक्टिस कर रहा चल पा रहा है, लेकिन फिर देख रहा दूसरे को भेज दो ना है प्लेयर थे, अब भाई 9 विकेट भी गिर गए, उससे समझ ही नहीं आया, कह रहा अब गया अब भी गाली खा सकता हूं मैं। वो जाता उसने पूरा फुटवर्क ही नहीं चलाया, कह रहा ठीक है बहुत इंजर्ड, कह रहा 2-3 मैच ही तो खेलना नहीं पड़ेगा ना करियर तो बच जाएगी, पूरा एकदम प्लान बनाया था भाई सुनील शेट्टी ने और एग्जीक्यूट करवा दिया, खुश था भाई केएल राहुल जरा सा भी दुखी नहीं था, लड़ाई के बीच में फंस गया वो, कहता मैं कहां से आ गया, वो विराट की तरफ से भाई भाई सॉरी भाई, और साइड में हो गया। और वहां पे सब में लड़ाई हो रही थी, नवीन उल हक जो है उनका प्लेयर उनने कुछ हाथ से ऐसे करके नॉर्मल वो हैंडशेक कर रहा था, और सही बात है भाई एक प्लेयर को ना ग्राउंड पे दिखा दो एग्रेशन पर खत्म होने के बाद मैच खत्म होने के बाद वो चीजें नहीं ले जानी चाहिए, पर इमेच्योर बंदे होते हैं ना, तो नवीन उल हक ने भाई थोड़ा कर दिया मिसबिहेव, अब उसे तो पता ही नहीं था ना कितनी बकचोदी हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद विराट ने भाई अकेले और पूरी टीम लखनऊ की लग गई फिर भी बेइज्जती करवा ली, लास्ट में गौतम गंभीर भागता हुआ आया तो देखा कि लड़ाई तो खत्म हो गई, गंभीर कह रहा मैं किससे लड़ू कहता बात तो कर लू कम से कम तो थोड़ा लोगों को लगेगा कि हाँ डरा नहीं हूं, फिर बात बात खत्म हुई। पर देखो वो तो वहां की लड़ाई थी ना, अब उनको लगा वो ग्राउंड की लड़ाई वहीं पे उन्होंने खत्म नहीं की तो भाई विराट के फैन कैसे कर देते सोशल मीडिया पे ऐसी तैसी कर दी भाई लखनऊ की पूरी टीम को, केएल राहुल को कह रहे हैं कि अच्छा प्लान था तेरा
इंजर्ड हो गया, वरना हाथ तेरे 2-3 मिलियन तो हम चले जाते हैं, ऊपर से जो गाली देते वो अलग। गौतम गंभीर को कर रहे हैं भाई, तू क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा था भाई? अब जो तेरी उम्र है ना, इस उम्र में पैर भी बहुत मुश्किल से जुड़ते हैं। ऐसे ऐसे भाई कुछ भूल गए, क्योंकि विराट कोहली भाई प्यार ही इतना है। बाकी आवेश खान दूसरा साथ तेरा आदमी तो भूल ही गया। आवेश खान ने ऐसे सेलिब्रेशन करा के रहा कि विराट ने तो 4-5 बार देख लिया होगा। कहता फिर आरसीबी से मैच है क्या? कहता यहाँ प्याज दबा के सो जाऊंगा, कहूंगा बुखार है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, कैसी वक्त खराब चल रहे अपन को नहीं लेने का। अब केएल राहुल तो उस समय कंफ्यूज कर रहा, बेंचो कप्तान हूँ कैसे जाऊं क्या बोलूं, वो ग्राउंड पे गिर के हो गए इंजर्ड। ये ताकत विराट कोहली की। और सबके ना फीस कटे, फाइन लगे सबको कि इतने इतने इतने, तो विराट कोहली का 1 करोड़ से ऊपर का फाइन कट गया, मैच फीस जो होता है, और नवीन उलक का 1 लाख समथिंग कुछ कटा है। तो फर्क तो यही देख लो। और फर्क से याद आता है ना कि पाकिस्तान को क्यों भूल गया मैं। पाकिस्तान में अभी पूरा मतलब तहलका मच गया विराट कोहली के इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में, पता लग गया उनको उनको कि इंडियन करेंसी में उन्हें 8 करोड़ रुपए मिलते हैं। वो वहां सदमे में चले गए, वो कह रहे माँ कसम 8 करोड़ रुपया पाकिस्तानी में कितना हो गया? रिपोर्टर ने बोला 24 करोड़ रुपए, मौत हो गई, 3 लाशें। कह रहे माँ कसम इन्हें तो अपने देश का प्रधानमंत्री बना देता हूँ, हर दिन एक पोस्ट डालेंगे हमारा सारा कर्जा मुक्त। प्लान देख रहे हो उनका? कह रहे ऐसी अगर हर दिन एक पोस्ट डाल दे तो हमारा पूरा पाकिस्तान तो चली जाएगा, 24 करोड़ रुपए में हमारा हो जाएगा भाई गुजारा। कह रहे बना देंगे हम प्रधानमंत्री। तो उसके बाद पूछते कि तो बाबर भी तो कर सकते ना, उतना नाम कमा सकते हैं। कह रहे उनके तो 3-4 मिलियन है, उनको 30-40 हजार रुपए मिल जाते, होटल बुक कर ले वही बहुत है भाई। विराट कोहली को बनाना है प्रधानमंत्री। थैंक यू सो मच गाइस।